नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी घर पर ही। ये झटपट बन जाता है 5 मिनटों के अंदर अंदर। तो इसकी सामग्री जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। पहले एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही उसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और उसे अच्छे से भून लेंगे। जीरे के भूनते ही अब हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे। हमने 3 से 4 कलियां लहसुन की और 1 छोटा पीस अदरक का लिया है। अब इसे भून लेंगे। अब हम इसमें 2 मध्यम आकार के प्याज डालेंगे और इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटा हुआ और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। करीब 1 मिनट तक भून लिया है तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने 2 मध्यम आकार के बारीक कटा हुआ टमाटर डाला है। उसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ लाल मिर्च डाली है, अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और इन सब मसालों को अब अच्छे से भून लेंगे। करीब 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है तो अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो हम 1/2 कप पानी डालेंगे। पानी इसलिए ताकि हमारी पनीर जब हम डालें तो वो सॉफ्ट रहे। तो पानी डालने के बाद अब हम इसे 2 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें 1/2 किलो पनीर डालेंगे जिसे हमने छोटा छोटा तोड़ लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर डालने के बाद सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं है तो करीब 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। एंड हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे और इसे गर्मा गर्म अब हम सर्व करेंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी घर पर ही बनकर तैयार है। इसे आप चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है खाने में, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दोस्तों और अपना कॉमेंट हमें ज़रूर देना हमारे कॉमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।